ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे माघ मास में कब है सकट चौथ, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूजा का महत्व। इसके साथ ही सुनेंगे सकट चौथ की व्रत कथा। माघ माह की संकष्टी चतुर्थी इस साल की पहली बड़ी चौथ होगी। इसे सकट चौथ व्रत कहते हैं। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी के नामों से जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत संतान सुख, वैवाहिक जीवन में खुशहाली, आर्थिक मजबूती के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर होगी। अगले दिन इसका समापन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर होगी। ऐसे में इस साल सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। सकट चौथ 2024 पूजा मुहूर्त अमृत योग सुबह 7:11 से सुबह 8:32 तक है। शुभ योग सुबह 9:43 से सुबह 11:14 तक है। शाम का मुहूर्त शाम 4:37 से शाम 7:37 तक है। सकट चौथ 2024 चंद्रोदय समय माघ मास की सकट चतुर्थी के दिन 29 जनवरी को चंद्रोदय रात 9:10 पर होगा। सकट चौथ की पूजा विधि सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की मूर्ति भी रखें। गणेश जी और माता लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाएं, फिर पुष्प, दुर्वा, मोदक आदि अर्पित करें। सकट चौथ में तिल का विशेष महत्व है। भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। अंत में सकट चौथ व्रत की कथा सुनें और आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर सकट चौथ व्रत संपन्न करें। संतान के सुखी जीवन के लिए सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। व्रती महिलाएं शाम को गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करती है। माघ मास की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तीव्र बुद्धि ज्ञान का परिचय दिया था। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन तिल का स्नान, दान, उसके सेवन और पूजा में विशेष इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अपार सुखों की प्राप्ति होती है। सकट चौथ व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म के काम में मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को सकट चौथ की पूजा कर उसने इस व्रत का महत्व पूछा। साहूकारनी को सकट चौथ व्रत या तिलकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन, धान्य, बुद्धि, सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि वह माँ बनती है तो सकट चौथ व्रत करेगी और गणेश जी को 1.25 तिलकुट चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालच और बढ़ गया। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 तिलकुट करेगी। साहूकारनी को एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा बढ़ गई। अब वह बोले कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है वह 5.25 तिलकुट करेगी। गजानन के वरदान से उसका विवाह भी हो गया, लेकिन तब भी उसने व्रत नहीं किया। साहूकारनी के बेटे का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब कर दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों संग जंगल में
दुर्वा लेने गई थी उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज़ भी दी, लेकिन वह सभी डर के वहाँ से चली गई और इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। गांव वालों और साहूकारनी के संबंधियों ने वहाँ जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने सभी को अपनी माँ की गलती बताई और कहा कि माँ ने सकट चौथ व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण सकट देव क्रोधित हो उठे हैं। साहूकारनी को जब यह बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना कर सकट चौथ का व्रत और तिलकुट किया। गणेश जी ने साहूकारनी को माफ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। मान्यता है कि सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी कोई आँच नहीं आती, बच्चे को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। कथा समाप्त। अब श्रवण करेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के ऊपर भारी संकट आ गया। जब वह खुद से उस संकट का समाधान नहीं निकाल पाए तो भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए गए। भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय से संकट का समाधान करने के लिए कहा तो दोनों भाइयों ने कहा कि वे आसानी से इसका समाधान कर लेंगे। इस प्रकार शिव जी दुविधा में आ गए। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो सबसे पहले मेरे पास आएगा वही समाधान करने जाएगा। भगवान कार्तिकेय बिना किसी देर किए अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। वहीं गणेश जी के पास मूषक की सवारी थी। ऐसे में मोर की तुलना में मूषक का जल्दी परिक्रमा करना संभव नहीं था। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से पृथ्वी का चक्कर ना लगाकर अपने स्थान पर खड़े होकर माता पार्वती और भगवान शिव की साथ परिक्रमा की। जब महादेव जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो इस पर गणेश जी बोले, माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है, इस कारण से मैंने आपकी परिक्रमा की। यह उत्तर सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं का संकट दूर करने के लिए गणेश जी को चुना। इसी के साथ भगवान शिव ने गणेश जी को यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन गणेश पूजन कर चंद्रमा को जल अर्पित करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, साथ ही पाप का नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान श्री गणेश की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।